एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। नई सरकार को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, टीडीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। आपको बता दें कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद मांगा, तो नई सरकार को लेकर के यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है और आपको बता दें कि एनडीए का संयोजक पद भी मांगा गया है टीडीपी की तरफ से। तो आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। अब आपको बता दें कि देखिए सरकार का गठन से पहले, सरकार गठन से पहले ये एक बहुत बड़ी खबर है, टीडीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। और आपको ये भी बता दें कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। हालांकि खबर सामने आ रही कि 8 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको, टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। अब ऐसे में देखिए जो घटक दल हैं वो अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं कि उनको कौन सा पद चाहिए, तो टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, एनडीए का संयोजक पद भी मांगा है। तो ऐसे में अब देखिए जो घटक दल हैं उनकी तरफ से अब डिमांड्स की जा रही है कि उनको कौन सा पद चाहिए, कौन सा मंत्रालय चाहिए। तो ऐसे में नई सरकार को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको गठन, सरकार गठन से पहले यह खबर कि टीडीपी की तरफ से मांग की गई है लोकसभा का स्पीकर पद और एनडीए का संयोजक पद मांगा गया है। तो देखिए सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई है।